3-4 दिन से भाई लगातार बारिश हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह एंड वाचिंग मी एट द रेट ऑफ विशाल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज भाई क्या हो रखा है कि बारिश स्टार्ट जो हुई है ना, बंद होने का नाम ही नहीं दे रही। तो मेरा हेयर स्टाइल कितना घटिया लग रहा है, और थोड़ा अपडेट भी देने वाला हूँ मैं कि कहाँ से कहाँ तक काम हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रूम का देख लो धजिया हालत, यहाँ से बढ़िया हो गया जो पहले था उससे बेटर हो गया। बराबर बारिश बड़ी तेज हो रही है अभी भी। देखो अब यहाँ से थोड़ा कूल कूल दिखेगा, लाइट होती ना, लाइट बंद है, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है, लग जाएगा तो और बेटर लगेगा। और बारिश गली दिखाता हूँ मैं। ये भाई अपनी गली, और बारिश बारिश हो रही है। और ये वाले पत्थर आए हुए हैं जो लगे हैं, और वो जो काला वाला दिख रहा है उस तरफ वो भी आए हुए हैं। ऊपर फर्श बनाया और मस्त फर्श बनाया, वही मैं आपको अभी दिखाने आ रहा हूँ क्या मस्त बनाया। So, let's go. ये पता नहीं इसको क्या ऐसे भाई बारिश, रुको भाई लाइट चालू कर दे फिर देखो भाई बारिश। और ये टेम्पररी बना रखा है भैया का, और भाई ईंट क्या, ये पूरा का पूरा थोड़ा टेम्पररी बना रखा था जब तक घर बन रहा था। और ये यहाँ पे धूम, इस ईंट को मैं सोचा भैया फिर रात को गिरता तब पता के वो, ये देखो वाह गजब। लैपटॉप वहीं रखा हुआ था, सोचो कितना बड़ा रिस्क था, अभी मैंने इसको साइड में रख दिया। और अब चलते हैं नीचे, बारिश देख लिया हमने। ये वाला रूम भी अपना फाइनल हो चुका है, यही भैया का रूम है, और वो मेरी मम्मी थी, तो यही भैया का रूम है जिस वजह से भैया ऊपर शिफ्टेड है। और ये पेंट वेंट होगा उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा भैया यहाँ, यही वाला पत्थर है। हाँ तो अपने को चलना है दवाई लेने। और ये भाई अपने को लेनी है 2 पैरासीटामोल की गोलियाँ, और बस यही, बारिश हो रही है तो जा रहे हैं। थोड़ा गली कैसी है हमारी, ये हमारी इधर की लोकेलिटी, और ये गली नंबर 5 अपना 6 है, ये मंदिर। और उस वाली दुकान में जाने का, अपने को मिलते हैं फिर तमाम सामान के बाद। 10 बज रहा था तो अभी बंद होने ही वाले थे, और मुझे मिल चुके पैरासीटामोल 2। अब हम पहुंच गए अपने घर, देखते हैं साइड में। देखो भाई क्या सामान रखा हुआ है। तो हमारा सारा दिन ऐसे ही बीतता है घर के कामों में। अब हम रजाई में घुसेंगे और आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें लग रहा है थोड़ा डर पेपर का, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है दिन में ठक ठुक की आवाज़ की वजह से, और रात को मूड होता है तो नींद आने लगती है वीडियो चालू करके के। हाँ तो चलते हैं पढ़ते हैं थोड़ा। और आज हम आपको एक ये भी बताएंगे कि हम उस दिन कौन कौन से बुकें इशू करा के लाए थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बिफोर डैट लेट टेक इट। चीनी डालना ही मम्मी भूल गई। जो इशू करवा रखी है 9th सेमेस्टर की, प्राइवेट इंटरनेशनल लो, पब्लिक इंटरनेशनल लो वो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी 8th में, ये प्लीडिंग ड्राफ्टिंग ऑन कॉन्वेंस की बुक, लीगल एथिक्स, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस, एक और सब्जेक्ट है लैंड लो, वो बाद में लेकर आऊँगी क्योंकि एक लाइब्रेरी कार्ड से 3 ही इशू हो सकते हैं जो जब, और ये मैं किसी और के आई कार्ड से लाया हूँ, वही था जो इसकी गाड़ी में जाते रहते हैं और वो खेले तो उसी के, तो ये तीनों थी। अभी उसका कॉल भी आया था, उसको भी कॉल करना है, पता नहीं किस लिए कॉल कर रहा था। और ये तो हो गया,
ये एक, पर पढ़ा कुछ नहीं अभी, पढ़ना भाई डर लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और अपनी कॉफ़ी चलो। हाँ बाय द वे ये छोड़ो, क्या ये खरीदा था मैंने अपने पॉकेट मनी से, कैसा लगा? अच्छी आवाज़ आती है भाई, छोड़ो तो बस भाई। सोच के और इट्स स्टिल रेनिंग, दिखाता हूँ मैं, यही रात को दिखा रहा था मैं, पर ब्लर ब्लर हो रखा था। और उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेंगे टमाटर। ये भैया की मेहनत है सारी, लॉकडाउन की अचीवमेंट। यही रात को दिखा रहा था मैं।